हेलो गाइस, जैसे आप देख रहे हैं मिस्टर अलर्ट। सो आज मैं आपको ज़बरदस्त अलर्ट करने वाला हूँ। आज मैं आपके लिए जॉब्स लेकर आया हूँ, वो भी नदरा में। क्या सर, सच में? जी हाँ स्टूडेंट, सच में। तो आप कहेंगे सर इसकी तैलीम कितनी है? इसकी जो तैलीम है वो सिर्फ इंटरमीडिएट है, मतलब FSC है। फिर तो सर देर ना करिए, जल्दी बताइए अप्लाई कैसे करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ऊपर आएंगे गूगल पे, सही है। गूगल पे आने के बाद आप यहाँ पे लिखना है, आपको क्या, आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये दे मैंने लिखा हुआ है। आप क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है कि करियर नादरा गवर्नमेंट PK। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर करेंगे क्लिक। इस पर ऊपर क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, ये देखें, इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके ऊपर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद इसकी जो फर्स्ट वेबसाइट है, आप क्या करेंगे, इसके ऊपर करेंगे क्लिक। ये देखें, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा एक फेस, सही। तो आप देख सकते हैं ये ओपन हो गई है क्या वेबसाइट। अब आपको ये देखें, अब आपको वो सिलेक्ट कर देना है आपको, जो आपको सिटी जो आपको नज़दीक लगे, जैसे कि है पाकपतन है। आपको क्या कर, आपको इस पर क्लिक करना है, नहीं ये आपसे दूर है। जो आपको सिलेक्ट लगे वो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक नहीं करूँगा, मैं इसको बैक करूँगा। यहाँ पर लगा है कि मेगा कोटिया, ये इस पर क्लिक नहीं करूँगा। यहाँ पर लगा है कि फैसलाबाद, ये मुझसे दूर है, वो सिलेक्ट नहीं करूँगा। यहाँ पर पेशावर है, ये इस पर नहीं करूँगा। मल्टीपल लोकेशन है, यहाँ मैं क्या करूँगा, सियालकोट है, इस पर मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, क्योंकि यहाँ पर कराची लिखा है और मैं कराची का ही हूँ, सही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कराची साउथ, कराची सेंट्रल, वेस्ट। मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा क्योंकि ये मुझे नज़दीक लगता है, सही है। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है कि अप्लाई नाउ, मैं क्या करूँगा, अप्लाई नाउ पर क्लिक करूँगा, सही है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देनी है। यहाँ पर ऊपर सबसे पहले आपको कह रहा है क्या करना है, ये देखें, यहाँ पर कह रहा है कि आपको जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर देना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन के, सही है। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर नेम लिख देना है अपना, फादर नेम लिखेंगे आप अपना, सही है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, यहाँ पर सिटीज़न नंबर लिखेंगे आप अपना, सही है। यहाँ पे आप जेंडर लिखेंगे, आपका जो इशू कार्ड है CNIC नंबर वो कब इशू हुआ है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, तहसील लिखेंगे, सही है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑफिस नंबर, आप यहाँ ऑफिस सेलेक्ट करेंगे जो आपकी कराची में है, सही है। तो मैंने जैसे कर ली कराची साउथ मेगा, सही है। तो मैंने ये जो मुझे नज़दीक लिखती है मैंने वो सिलेक्ट कर ली, सही है। यहाँ पे तहसील लिख देनी है आपको, तहसील आपको कौन सी है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे पहले, फिर आपको सिलेक्ट कर देनी है। जैसे मैंने ये लिख लिया गोट की पार्टी का जो भी है, मैंने ये कर लिया, सही है। इशू ये फिल करके मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये जो लिखा हुआ है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन, आप क्या करेंगे, जो आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे देनी है, सही है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो फर्स्ट में आप बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल कर देंगे। उसके बाद जो कह रहे हैं कि एजुकेशन, आप क्या करेंगे, एजुकेशन के बारे में लिखेंगे। अगर आपकी FSC की हुई है तो आप क्या करेंगे, FSC की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देंगे, सही है। उसके बाद कह रहे हैं कि वर्क एक्सपीरियंस, तो आपको क्या करना है, आपकी जो आपका जो एक्सपीरियंस है वो कितना है, आप क्या करेंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस दे देंगे। यहाँ पे कह रहा है कि कॉन्टैक्ट डिटेल, अब क्या करना है आपको, जैसे ही आप वर्क एक्सपीरियंस दे देंगे आप क्या करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी जो डिटेल्स है कॉन्टैक्ट के, वो आपसे रब्ता कैसे करें, आप क्या करेंगे, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे, सही। तो इस तरीके से आप नादरा में अप्लाई कर सकते हैं जॉब। वो सिर्फ आपकी जो एजुकेशन होनी चाहिए वो है इंटरमीडिएट, मतलब FSC, मतलब क्लास 12th पास। तो यंग टैलेंटेड स्टूडेंट इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी करें अप्लाई कर से, मौका ना गवाएं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए थैंक यू एंड ज़रूर इसमें अप्लाई कर देना, क्योंकि इसकी जो इसकी जो इंटर्नशिप है, आप जैसे ही आप इसमें अप्लाई करेंगे फिर आप यहाँ पे जॉब करेंगे इंटर्नशिप के लिए, सही। जैसे ही आप काम अच्छा करेंगे तो चलते चलते आपके जो वो है जो सेम गवर्नमेंट बन जाएगी, सेम गवर्नमेंट बनने के बाद आपकी जो जॉब है वो फुली गवर्नमेंट बन जाएगी। तो इस तरीके से आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ और बहुत बहुत बाय बाय, थैंक यू।